स्कूल नेक किस लड़कास मंगित काती का चीज की ऐसा पर्सनल चीज तुम चलाए का मंगित एक किस लड़कास की कोर हुन शॉप था उनसे ठीक है स्कूल से एक स्कूल असल पर शेयर करा

मेकअप आर्टिस मेहंदी आटिस तुम मतलब छुपित घर मत तुम बुझ दुकान पे तासी ना वो ये दुकान पे तुम्हें वाला वे मैं हूँ त्रा तो तुम्हें बोर्ड शॉप कर मतलब बड़ा तो इस तथी मे एडजस्ट तरह मार्केटस गुड मॉर्निंग कश्मीर मैं आप सबका खैर मकदम हम इस वक्त मौजूद है शुमाली कश्मीर के पटन इलाक़े में जहाँ पर हम आपको एक ऐसी लड़की से रूबरू कराएंगे जो महज तेईस साल की है जिन्होंने काफ़ी कम उम्र से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और इनका कहना है कि ये इंडिपेंडेंट रहना चाहती है इन्होंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया जो आपको श्रीनगर के गली गली कोचू कोचू में देखने को मिलेगा लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने उस जगह पे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि आप सब जानते हैं कि शहर और गांव में कितना फ़र्क है गांव में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना एक लड़की खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर कमाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है तो सीधे इस लड़की से आपको रूबरू कराएंगे जानते हैं कि कब से इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और किन वजहों पे जो है इसने अपना ये बिजनेस शुरू किया गुड मॉर्निंग कश्मीर में आपका खेल वेरी गुड मॉर्निंग मेरा नाम महके और फादर नेम अब्दुल हमीद खान और मैं निहालपुरा पटन से हूँ तो अगर से देखा जाए ये बिज़नेस जो आपने स्टार्ट किया इसके बारे में पहले बताया क्या बिजनेस है और किस तरीके से ये आप चलाते हैं ये बिज़नेस लेडीज़ के लिए है किड्स के लिए और मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी और जो लड़कियाँ होती हैं वो एक लड़की के पास जाती है बिना रोक टोक के कुछ भी चाहिए तो विदाउट ये डर के बगैर जाती है कूर से हेकानक लड़कस मंगित कहती चीज किसान पर्सनल चीज तुम्हें हेका सो मत एक लड़कस कही हाँ इसीलिए मतलब कौर हूँ शॉप थी क्या कूर असल पास शेयर कर मतलब ये साल ते मे कहान ते पे गरिके तो तमो कुल सपोट गई मे कर सपोट बोर्ड सपोर्ट खास कर मादरी कूर तरव पानस गोहस तवन गा सब पान कर हेंडल अडि माज्च से तुम त मेल कोर काम गुस् मूज ब्याा गो वन हाई वे दोहस ऊर वी शाम ना मानन गो क्या ज्यादा मे सपोट ते बार ब्याा गो मतलब वे पारस मज ग्रेन सा अन तथा बारस मैं बोए सपोट करा, तो तो करा। शुक्र अल्हमदा मे कर् ओक्ची यु जो जुतवस् मज़ मे कर् ते दिज तो वह ज्यादा रूद ये वह ज्यादा ब्रह पक मन बिजनेस मेकअप आटिस मेहंदी आटिस तुम आब छ चुपित आंसा गरस मज़ा युश दुकान पे ता ना वो द्राई दुकान पार तुम्हें वन वे मे हम तरह तो तु बोर्ड शॉप त मतलब बड़ा तो गो एडजस्ट तरह मार्केटस मे मे टंग ते व टलरिंग कहान वाई मार्केटस मन हाँ वैसे तो मेरे सामने नहीं आया लेकिन वन औरत वा हाई या नाव पूरी या ना हाँ खुद सवाल जो गरस मांग मे पन्नु शौक बह बिजनेस पर्न त्र मे क्यों कन्टिवसा तो बहस वैस ग्रेजुवेशन कैक्जाम मे कॉलेज गुण बहुत तब कहीं ने अच्छा तो क् प्रॉब्लम ना मेरे पर्न सखी सपोर्ट मेलना क्या मे पे गरिके मंग् क्नती चीज बिना यो सपोर्ट करान

था परित ना। तुम नौकरी बेहतर से अगर कसब स्टार्ट कर तो ये कहानी थी मैं की जो कि निहालपुरा पटन से है जिन्होंने पूरे निहालपुरा की लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम करके रखी है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज्यादा कम उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया अगर जो देखा जाए मैंने इससे पहले भी इस बात का जिक्र किया कि शहर में ये काम करना अगर जो देखा जाए काफी ज्यादा आसान रहता है और वहां लड़की स्टॉल पे भी बैठे सड़क पे भी बैठे तो बिल्कुल कोई उसको टॉन्ट नहीं करेगा कोई इस पर उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन गांव में ये करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है अब वक्त आया है उन लोगों को अब अप अपनी सोच बदलनी चाहिए जो लोग लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते क्योंकि अगर से देखा जाए आए दिन हम देखते हैं किस तरीके से लड़कियां जो है हर एक फ़ील्ड में आगे बढ़ती हुई देखने को मिलती है चाहे फ़ील्ड छोटा सा छोटा हो या बड़ा सा बड़ा हो तो उन लोगों के लिए ख़ास कर ये मैसेज है कि वो अपनी सोच बदले और लड़कियों को नीचे नज़र से या कम नज़र से ना देखें उनको आगे बढ़ने तो अगर भी आप तक ऐसी स्टोरीज़ पहुँचाते रहेंगे गए मैजर का शफफ़ी कैमरा पर मुफीद लाल के साथ